अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9 के लिए है जिसमें हम लेके काम कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर को और इसमें हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। तो इससे पहले आपके पास दो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आज जिस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर तीसरा। आपकी किताब में इस तरह रखा गया है कि आपके पास कहते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ABC is an isosceles triangle in which the altitude BE and CF are drawn to the equal side AC and AB respectively. See in figure this. आपके पास इस फिगर का जो आपके पास नंबर दिया हुआ है वो आपके पास 7.31 रखा हुआ है आपकी किताब में। Show that these altitudes are equal. हमें इन altitude को बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहला जो solution में जिसके ऊपर हमें काम करना है वो आपके पास है given. गिवन में क्या कहता है, इन ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास ए बी इज इक्वल टू आपके पास ए सी रखा हुआ है। ए बी और ए सी को इक्वल साइड पे आपके पास ये दोनों अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। जो टू प्रूव हमें करना है वो क्या करना है, वो हमें करना है बी ई इज इक्वल टू सी एफ आपके पास प्रूव करके हमें दिखाना है। ठीक है, तो हम प्रूफ के लिए क्या करेंगे वो आप देखें यहां पे अच्छी तरीके से। अगर मैं अपने गिवन के हिसाब से और टू प्रूफ के हिसाब से अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे कौन से ट्रायंगल में यहां पे काम करना पड़ेगा, मैं इस तरह इस ट्रायंगल को लूंगा जिसका नाम है ए ई और बी, और दूसरा ट्रायंगल लूंगा मैं इस तरह, यहां पे आपके पास है ए एफ और सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में मेरे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। तो और क्या आपके पास दिया हुआ है, और आपके पास यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एंगल ए दोनों में आ रहा है। ठीक है जो, और यहां पे क्या कहा है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड उस लाइन को बोलते हैं जो 90 डिग्री बनाता हो दूसरे लाइन के साथ। तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है जो 90 है। तो हम इसी के हिसाब से यहां पे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्यूरेंट दिखाएंगे। कॉन्ग्यूरेंट दिखाने से फायदा क्या होगा, हमें पता है कि कॉन्ग्यूरेंट करने से आपके पास उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो हम उसके जरिए यहां पे जो अपना यहां पे रिक्वायरमेंट है, जो टास्क हमें दिया गया उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ में जाएंगे जिसमें एंगल ए जो है दोनों में आ रहा है, जहां पे यहां पे आपको गोल करके दिखाया गया है, ये आपके पास कॉमन आया। ठीक है जो, दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी आ रहा है, ये ईच 90 है, ईच 90 डिग्री है। और तीसरा आपके पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू आपके पास ए सी दिया हुआ है, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है सर, तो मैंने क्या किया, इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल और एक साइड को बराबर किया। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं देयर फोर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्यूरेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाय विच क्रिटेरिया, बाय विच रूल, आपके पास एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्यूरेंट हुआ। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्यूरेंट है तो इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे, और क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे बीई और सीएफ जो है इसी दो ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बीई इज इक्वल टू सीएफ, ये आपके पास सीपी सीटी के हिसाब से बराबर हो जाता है। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, बीई और सी एफ को क्लियर करना था। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह क्लियर करने की कोशिश किया। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा कि हमने इसको कैसे यहाँ पे इसको प्रूव करने की कोशिश किया। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन लेके हम हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।